नमस्कार। शरीर के लिए सांस बहुत महत्वपूर्ण होती है और ज्यादातर यूथ के लिए जो कि दौड़ते हैं, भागते हैं और फौज पुलिस की तैयारी करते हैं, उनका चेस्ट में सांस बहुत फूलता है। यही समस्या बड़े लोगों के लिए साथ भी है कि सांस का समझ में नहीं आता कि ये सांस फूल क्यों रहा है। सांस कभी आता है, कभी जाता है, समझ में नहीं आता कि कितना लेना होता है, कितना छोड़ना होता है। तो वो तो हमारे प्राणायाम में हमने चर्चा की है। आज की हमारी चर्चा है लंग्स की पावर को खोलने के लिए, यानी जिनका सांस फूलता है उनका एक अभ्यास है, उस अभ्यास की जो है मैं आज चर्चा करूंगा। देखिये, आप योगी क्रियाएं सब करते ही हैं, बाकी अन्य जो क्रियाओं में आप सुबह और शाम दो समय ये चीजें कर सकते हैं, जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपने योगासन करते हैं, उसी में इस अभ्यास को आप डाल सकते हैं। कैसे? सुबह सुबह जब आप दौड़ के भाग के आ रहे हैं तो एक क्रिया इसमें डालनी है जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। हमारे लंग्स जो हैं उनको हम पूरे एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ये फूल जाते हैं। फूलते क्यों हैं? जब हमारे शरीर की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए श्वास की और उस समय उसको श्वास पूरा नहीं मिल पाता, लंग्स उसको फैल के ले नहीं पाते, तब हम मुंह से सांस लेते हैं और हमारी जो कैपेसिटी है उसको वो एक मुंह कवर करता है, नाक से उतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो हम लंग्स को फैलाने की पूरी ताकत, पूरी कोशिश करेंगे और एक नियमित अभ्यास से एक समय के बाद हमारा सांस फूलना कम हो जाएगा। तो कैसे करना है? देखिए, दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोलना है, सांस जो है वो उसको समझ लीजिए, हाथ को समझ लीजिए, हाथ आगे की ओर ऐसे जोड़ना है, ये आगे हाथ जोड़ना, इसकी भी बात करेंगे। सांस भरते हुए पहले पीछे जाना, पीछे की ओर। आप देखिए, पीछे जितना आमतौर पर तो हम इतना जाते हैं, लेकिन इसमें हमें पीछे पूरा खींचना है, जितना पीछे जा सके। अब ये पीछे जितना जाएंगे उससे क्या होगा, ये फ्रंट की पूरी ये मसल्स हैं, ये पूरी फैलेगी। फैलेगी तो अंदर क्या है, चेस्ट के अंदर फेफड़ा है। अब फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर जब हम पीछे हाथ लेके जा रहे हैं तो उसको जगह मिल रही है, जगह मिल रही है तो सांस भरना है। तो सांस भरते हुए जाना, पूरी ताकत से सांस भर लिया। अब सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, हाथ आगे लेते हैं तो सांस पूरा छोड़ना है। पूरे का मतलब क्या है, आप एक सामान्य सांस छोड़ रहे हैं उससे और ज्यादा, तो नाभि चिपकेगी, नाभि चिपकेगी तो आपकी पूरी कैपेसिटी यानी लंग्स की कैपेसिटी फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी। ये करना है, श्वास छोड़ के आगे पूरा खींचना, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर खींचो। अब इसको फैलाने के लिए मूल चीज क्या है, मूल चीज है स्टे करना। यहां हम गए, 5 सेकंड कम से कम स्टे करना है और श्वास छोड़ के जब आगे आए तो 5 सेकंड कम से कम स्टे करना है। ये कम से कम इसलिए कह रहा हूं कि आपकी इतनी तो कैपेसिटी बनानी है, फिर धीरे 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 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक स्टे करने का अभ्यास करना। ये अभ्यास आप करेंगे ना, इससे एक तो ये हमारे हाथ की सारी मसल्स खींचेगी, ये सारी मसल्स खींचेगी, ये खींचेगी तो हाथ में तो ताकत आएगी आएगी, साथ में हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी। तो इसको लगातार कैसे करेंगे, सांस छोड़ते हो पूरा आगे खींचना, इस तरीके से हाथ पूरा आगे तक आना चाहिए जिससे ये नाभि अंदर जाए, सांस छोड़ते हुए और ये सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये पहले दिन 5 बार करिएगा, दर्द बहुत होगा, पहले दिन 5 बार करना, दूसरे दिन 10 बार बढ़ा दीजिए, तीसरे दिन 15 बार, चौथे दिन 20 बार, अगले दिन 25 बार, फिर 30 बार, इतनी बहुत है। इतना भी कर लेंगे तो आपको लगेगा 3-4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपको एक फील होगा कि मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी है, मुझे जो एक लास्ट में जाके एकदम से ऐसे दबाव पड़ता था वो दबाव कम हुआ है। सिंपल सी चीज बताइए मैंने, मसल्स को खोलने के लिए, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी, लेकिन इसको करेंगे तो पता चलेगा। साथ में एक क्रिया और है जो कि मैं आमतौर पर बताता रहता हूं, श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे, ये हल्का खिंचाव है, पूरा नहीं है लेकिन हल्का है, बच्चे युवा इसका बड़ा अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास करेंगे तो लंग्स
पूरा फैलेगा, ये मसल्स खुलेंगे, लंग्स को पूरी ताकत मिलेगी। शरीर को जब ऑक्सीजन मिलता है तो शरीर में ताकत जान आती है और जो हमारे युवा हैं वो बहुत जो है मजबूत महसूस करते हैं। ये कुछ चीजें आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। साथ में लास्ट में एक संदेश, त्रिनेत्र कार्ट हमारी जो वेबसाइट है उस पर हम लोग मैग्नेटिक थेरेपी के लिए काम कर रहे हैं, रुद्राक्षों के लिए काम कर रहे हैं, एक बार विजिट जरूर करिएगा। घुटना दर्द है, कमर दर्द है, कंधा दर्द है, इसके लिए मैग्नेट्स के जो इक्विपमेंट्स है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को संतुलित करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाते हैं, वो इक्विपमेंट हम लोग कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की। आप देखिएगा जो समझ में आए घर में ज़रूर माता के लिए, दादी के लिए, पिताजी के लिए, जिसके लिए भी आवश्यकता हो वो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो केवल लपेट के बैठना है और उसके मैग्नेट से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और हमारी ताकत शरीर की बढ़े, कैपेसिटी बढ़े, तकलीफें कम हो, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।